पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में व्यवस्थित रूप से भीषण मानव अधिकार उल्लंघन अबाध रूप से चल रहा है। 5 अगस्त 2019 के पश्चात से जम्मू कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघनों में व्यापक वृद्धि देखी गई है। विभिन्न राष्ट्रसंघ रिपोर्टों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघन कर रहा है। सार्वभौमिक मानव अधिकार संगठनों ने निरंतर भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघनों की बिगड़ती हुई स्थितियों पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के भारतीय शासन ने कश्मीरी जनता के विरुद्ध आतंक व्याप्त किया हुआ है। नरसंहार, लापता किया जाना, टॉर्चर तथा बलात्कार भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में नियमित दिनचर्या का भाग बन चुके हैं। मोदी शासन बहुत ढिठाई से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। सार्वभौमिक शक्तियों को मांग करना चाहिए कि भारत मानव अधिकार दायित्वों का पालन करे। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई मानव अधिकार स्थितियां तुरंत रूप से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की मांग करती हैं। विश्व समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निरंतर बढ़ते मानव अधिकार उल्लंघनों को बंद करने में सहायता करना चाहिए। मोदी को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।